हेलो, हाय एवरीवन, कैसे वालेकुम। हो? गुड मॉर्निंग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और आज मेरे मेन्यू में है आलू मटर की सूखी सब्जी एंड उसके साथ लच्छा पराठा। और मेरा आधा घर बहुत खुश है कि आज तो भाभी पराठा बना रही है बहुत दिन में, और वो भी आलू मटर की सूखी सब्जी के साथ। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट नहा के आ गए हैं। एंड तो ये है मसाला। सबसे पहले डालती हूँ मैं जीरा, ये लहसुन है, इसके बाद डालती हूँ मैं ये लहसुन है, प्याज है, एक भैया की लंच और रोटी रोटी में भी पराठे में उनके सेक चुकी हूँ। जब उन्हें पता आलू मटर की सूखी सब्जी बन रही है और लच्छा पराठा बन रहा है, तो वो आधा घंटा अपने ऑफिस से लेट हो रहे हैं कि अब तो खा के ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे टाइम लगा था। उससे पहले भी बहुत मतलब दो लोगों का लंच हो चुका है और छोले वगैरह बनाए, तो इसमें थोड़ा सा लेट हो गया था मैं। एंड ये चीज़ें थोड़ी सी फुर्सत यार टाइम तो लेती हैं, ये सारी चीज़ें फटाफट फटाफट का तो काम नहीं है। ये टमाटर हो गए, ये अदरक हो गई और ये हरी मिर्च हो गई। पाउडर नमक स्वाद अनुसार, जिसको कम खाना है ज्यादा खाना है, एंड ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चे भी खाएंगे। और थोड़ी सी कसूरी मेथी निकाल कर रख लेती हूँ मैं, इसकी महक ज्यादा बहुत अच्छी आती है। तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, कोई डाल देते हैं एंड थोड़ा सा करते हैं साफ। तो ये मैंने पराठे के लिए डो तैयार किया था, इसमें मैंने प्याज और लहसुन पीस के डाला है, थोड़ा सा अजवाइन डाली है और पुदीना जो सूखा रखा था मैंने वो डाला है। Thank you.
वन टाइम भी लगता है पराठा बनाने में पर यार टाइम लगे तो क्या खाए ना, खाना चाहिए और खिलाना भी चाहिए। इतना अच्छा नाश्ता बनाते हुए भी ना मुझे ये दलिया खाना पड़ता है। ये मेरी सुबह का मॉर्निंग नाश्ता है। आज तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि ये सब चीजें जोड़ी थी और ऑफिस वालों का टाइम तो टाइम से ही होता है। तो देखो ये दलिया खाना पड़ता है, मैं क्या कर सकती हूँ यार, बड़ी मजबूरी है मेरी। आलू थोड़ी सी लाल मिर्च डालती हूँ, थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। इसका काम खत्म हो गया है, इसको रखते हैं हम वहां पर। बड़ी स्पीड से कर टाइम लेती है, मेहनत भी लगती है। मैं नॉर्मल खाने से तुम्हारे लिए चार काम ज्यादा फालतू बढ़ जाएंगे। अब आगे देखा दोस्तों, वेटिंग लग रही है, लाइन लग चुकी है, दो खा रहे हैं और दो अपनी अपनी प्लेटें लेके खड़े हैं। इसे रखती हूँ मैं अभी इधर, और ये जो पहले से ही बनी हुई लोइयां हैं इनको करती हूँ मैं स्टार्ट, कि लोग थालियां बजाने लगे। चाचा जी को देख रहे हो, तो पहले की ये कुछ इस तरह की लोई मतलब ऐसे घुमा के और इसको ऐसे लगा दे, लगानी पड़ती है।
सब्जी होता है, ऐसे किया, ऐसे किया, क्लियर बन जाती है, दिख रहा होगा आपको ये इस तरह से लेयर बन जाती है। दूसरे में भी दिखाती हूँ मैं, ये काफी गर्म है, दिखाई दे रही होगी आपको। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि आज के मेन्यू में नाश्ते में जो है वो मटर की सब्जी और अच्छा पराठा है, तो ये रही मेरी रोटी सब्जी और दही जो मैंने पार्थ के लिए तैयार की है। और देखो सब्जी का कलर भी कितना सुंदर है, पार्थ भुना हुआ धनिया डाल के ही दही खाता है। और अब मैं आपको पराठे की जो लेयर बनती है ना, बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है ये। और अब देखो देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो ये इस तरह से बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है। और अगर इसका डो बनाते हुए, अगर आप इसका डो बनाते हुए लहसुन और प्याज, और मैं तो थोड़ा सा फ्रेश मिंट भी डाल देती हूँ, और अजवाइन भी डालती हूँ, थोड़ा सा जीरा डालती हूँ, ये सारी चीज़ें डालती हूँ जब भी बनाती हूँ,